प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा आज नेतृत्व विकास प्रशिक्षण दिया गया है यहाँ कोसी तटबंध के अंदर बघवा पंचायत में। और सहभागी शिक्षण केंद्र जो है वो पिछले कई वर्षों से यहाँ महेशी ब्लॉक के 3 पंचायत बघवा, भूमिपुर और तेलवा पश्चिमी में काम कर रही है, जिससे समाज के जो भी बाढ़ पीड़ित इस क्षेत्र में लोग हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत हद तक सहभागी शिक्षण केंद्र उसके जीवन में एक बेनजीर पहल कर रही है। पिछले कई वर्षों से बाढ़ के समय नौ भी वितरण किया जाता है, स्किल ट्रेनिंग भी दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं सहभागी शिक्षण केंद्र इस जगह जो बाढ़ का इलाका है यहाँ के लोगों के लिए एक तारनहार साबित हो रही है। आज यहाँ बघवा पंचायत में यहाँ आज नेतृत्व विकास प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें नेतृत्व विकास प्रशिक्षण के बारे लोगों को जागरूक किए। लखनऊ से अधिकारी आए थे संस्था के, उनसे भी हम खास बातचीत करेंगे। और पिछले कई महीनों से जो सहभागी शिक्षण केंद्र के द्वारा और राष्ट्रवादी उलमा हिंद के द्वारा जो स्किल ट्रेनिंग दिया जा रहा था जलय थाना के पास, उसमें 15 बच्चियों को जो 20 दिन का प्रशिक्षण मिला है उनका सर्टिफिकेट वितरण भी किया गया। तो हम सर से जानेंगे और कि यहाँ जो ये नेतृत्व विकास प्रशिक्षण किया गया है और स्किल ट्रेनिंग जो किया गया है, सर ये सहभागी शिक्षण केंद्र जो है ये स्किल ट्रेनिंग करवाई है और ये नेतृत्व विकास प्रशिक्षण जो आज किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है, समाज में अब किस तरह का तस्वीर देखना चाह रहे हैं? देखिए, इससे निश्चित रूप से जो स्किल डेवलपमेंट का जो ये पूरा जो हमारी जो सोच है कि जो ग्रामीण यूथ गाँव में लड़कियाँ लड़कों दोनों में और इस उनकी क्षमता उनके स्किल्स बढ़े ताकि अपने आजीविका के लिए वो कुछ आगे करियर बना सके, इसमें हमने काफ़ी प्रशिक्षण से पहले भी दिया है, जैसे बेसिक टेलरी का प्रशिक्षण दिया है, बेसिक इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंस का ट्रेनिंग दिया गया है। इसमें ब्यूटिशियन के प्रशिक्षण के लिए काफ़ी लड़कियों की तरफ से डिमांड था, जो हमने इसको पूरा किया। आज इसका सर्टिफिकेट आज के नेतृत्व विकास प्रशिक्षण हमने एक दूसरे यहाँ पर बोला था कि इसी बीच आज ये सर्टिफिकेट वितरण का ही प्रयोग रखा गया और आज इन लड़कियों को 15 लड़कियों को सर्टिफिकेट भी वितरण की गई। मुझे खुशी है कि ये लड़कियाँ आगे चल के निश्चित रूप से आगे चल के बेहतर करेंगी, क्योंकि उनमें काफ़ी उत्साह है, काफ़ी अच्छा वो कर पाएंगी और बेहतर बेसिक प्रशिक्षण मिला है उसे काफ़ी अच्छा। मुझे क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल रहीम है और मैं इस परियोजना के प्रोग्राम मैनेजर हूँ और परियोजना लखनऊ में बैठता हूँ हर महीने यहाँ पे। तो ये उस वहाँ तक आ गए। चलिए, ये थे सहभागी शिक्षण केंद्र के अधिकारी जो लखनऊ में बैठते हैं और यहाँ फील्ड देखने के लिए ये आते हैं विजिट में। तो कहीं ना कहीं सहभागी शिक्षण केंद्र के द्वारा जो काम किया जा रहा है कोसी की कछार पे, ये बेनजीर काम है। युवा को, युवतियों को स्किल ट्रेनिंग दिया जा रहा है। पिछले वर्षों में इन्होंने मोबाइल रिपेयरिंग का और डोमेस्टिक वायरिंग का भी प्रशिक्षण दिया, गारमेंट्स मेकिंग का भी इनका प्रशिक्षण चल रहा है और अभी जलय थाना में ब्यूटिशियन का भी प्रशिक्षण दिया गया और फिर इनका प्रशिक्षण का दौर ये चालू रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक बेनजीर पहल है और सहभागी शिक्षण केंद्र की जो इस तरह से नया काम कर रही है, इनके जज्बे को यहाँ के लोग, यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के युवा युवती और जो भी है ये सलाम करते हैं। एक अच्छा पहल है क्योंकि ये जो कोसी का इलाका है ये बेरोजगार का इलाका है, यहाँ पलायन बदस्तूर जारी रहता है, तो यहाँ कहीं ना कहीं स्किल ट्रेनिंग से एक रोजगार के लोगों को रोजगार के आयाम लायक बनाया जा रहा है, जो रोजगार से जुड़े और यहाँ से पलायन की स्थिति कम हो सके। नजरिया न्यूज से मोहम्मद अजीजुद्दीन साहब।